नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिपेक्ष में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का, संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले, सकारात्मक निर्णय वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहते हैं।